हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू सैनी आप सभी का क्लासरूम वाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इन दिनों कोरोना वायरस से अनेक देशों को जान माल की हानि हो रही है। विश्व के सभी देश कोरोना से अपनी अपनी तरह से लड़ रहे हैं। एक बार इंडन वन में भी ऐसा ही एक सबोना नामक वायरस फैल गया। इंडन वन के राजा और प्रजा ने मिलजुल कर किस तरह सबोना के संक्रमण को दूर किया, आज वही कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। राजा शेर सिंह को सूचना मिली कि पड़ोसी चनवन में सबोना नामक एक वायरस ने जीव जंतुओं को संक्रमित कर उन्हें मौत की कगार पर पहुंचा दिया है। यह बीमारी चनवन से फैलनी शुरू हुई थी। इस दौरान चनवन में गए अन्य वन के जीव जंतु से ग्रस्त हो गए। अपने अपने वनों में लौटने पर उनके वनों में भी यह बीमारी तेजी से फैल गई। यह देखकर इंडन वन के राजा शेर सिंह ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। चनवन और अमुवन में तो जीव जंतु इस संक्रमण से इतनी तेजी से मर रहे थे कि यहाँ के राजाओं ने हार मान ली। अमुवन को सभी वनों में बेहद शक्तिशाली माना जाता था। इंडन वन में भी कुछ जीव जंतु इस बीमारी का शिकार हो गए। राजा शेर सिंह ने अपने चतुर गृह मंत्री खरगोश से विचार विमर्श कर डॉक्टरों एवं एक्सपर्ट से इस बीमारी के बारे में जाना। डॉक्टरों ने बताया कि इस वायरस का संबंध एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण में जुकाम से लेकर सांस लेने में दिक्कत होती है, तेज बुखार होता है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह बीमारी हाथ और गले मिलाने, लोगों के एक स्थान पर अधिक इकट्ठा होने से तेजी से फैलती है। इसीलिए सभी जीव जंतुओं के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि कोई भी जीव जंतु मास्क पहने बिना बाहर ना निकले, आवश्यक कार्य होने पर ही अपने अपने घरों से बाहर निकले। इसके साथ ही कुछ दिनों तक पूरे वन में लॉकडाउन कर दिया जाए। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी एवं प्राइवेट सभी ऑफिसों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। बसें, ट्रेन और हवाई यात्राओं पर भी पूरी तरह लगाम लगा दी जाए ताकि अन्य वनों के प्राणी यहाँ ना आ पाए। सभी तरह के समारोह पर भी रोक लगा दी जाए। इसका काम घरों से किया जाए और विद्यार्थियों को भी घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाया जाए। इस वायरस से बचने का सबसे आसान उपाय केवल अपने घर में रहना है, खुद को पूरी तरह स्वच्छ रखना है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। तुरंत ही राजा शेर सिंह ने टीवी के माध्यम से यह संदेश इंडन वन के हर जीव जंतु तक पहुंचा दिया। बिना मास्क पहने बाहर निकलने और बेवजह घूमने पर फाइन लगा दिया गया। इंडन वन के सभी पशु पक्षियों ने अपने राजा के आदेश को माना, लेकिन मंटू बंदर पर इस लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ा। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलता, बिना मास्क के इधर उधर घूमता और गिलहरी, चिड़िया व अन्य पशु पक्षियों के घरों में तोड़फोड़ करता। गजराज हाथी हेड कांस्टेबल था, उसने कई बार मंटू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच जाता। मंटू की मनमानी के कारण इंडन वन के कई प्राणियों को बड़ी परेशानी हुई। मंटू बंदर पर कोई असर ना पड़ा। वह इलाज करने वाले डॉक्टरों, नर्सों एवं सफाई करने वाले जीव जंतुओं को भी परेशान करता था। एक दिन पेड़ पर उछल कूद करते समय वह बुरी तरह कराकर नीचे गिर पड़ा। संयोगवश उसी समय लिली बिल्ली वहां से अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आ रही थी। वह हॉस्पिटल में नर्स थी। लगातार ड्यूटी करने के कारण उसे एक दिन का रेस्ट दिया गया था। मंटू को करहाते देख उसने उसकी जांच की तो पाया कि उसके लक्षण भी सबोना वायरस जैसे हैं। वह उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर उसका इलाज करने में जुट गए। मंटू का बुखार दर्द से बुरा हाल था। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के इलाज से वह सबोना के संक्रमण से जल्दी ही ठीक हो गया। अब उसे यह समझ आ गया था कि इस वायरस का शिकार होने पर बड़ी तकलीफ होती है। उसने नर्सिंग का काम सीखा और अस्पताल में जीव जंतुओं की सेवा में जुट गया। इतना ही नहीं, दुकानों में मास्क कम पड़ने पर उसने सिलाई मशीन से मास्क बनाकर भी सभी जीव जंतुओं में मुफ्त बांटे। इस महामारी के समय पूरा इंडन वन एक हो गया। कोई जरूरतमंदों और जीव जंतुओं को अपने घर से खाना बनाकर भिजवाता तो कोई अपने खर्चे से घरों को सैनिटाइज कराता। ऐसे समय देश का खजाना खाली होता जा रहा था। इंडन वन के अमीर पशु पक्षियों के साथ ही अन्य जीव जंतुओं ने भी अपनी इच्छा से राजकोष में धन दिया ताकि इस महामारी से लड़ने में किसी तरह की कोई कमी ना हो। सबकी एकजुटता रंग लाई। इधर इंडन वन के वैज्ञानिकों ने सबोना का इंजेक्शन तैयार करने में सफलता पाई और उधर इंडन वन में सबोना के मरीज काफी कम हो गए। इंडन वन ने अन्य वनों को इंजेक्शन एवं अन्य जरूरी सहायता भिजवाई। सभी ने इंडन वन के राजा की प्रशंसा की।
अब इंडन वन सभी वनों से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान कहलाया जाने लगा, क्योंकि यहाँ के राजा शेर सिंह ने अपनी सूझबूझ से इस बीमारी को न केवल अधिक फैलने से बचाया बल्कि समोना के इंजेक्शन का आविष्कार कर अन्य वनों को इस महामारी से बचाने में मुख्य भूमिका निभाई और उन्हें हर तरह की मदद भिजवाई। फ्रेंड्स, तो यह थी इंडन वन की कहानी। आप सभी ने देखा कि किस तरह से इंडन वन के राजा शेर सिंह और पूरी प्रजा ने मिलकर सवोना के संक्रमण को दूर भगा दिया। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू।